सनी डे डोडायमिज्म। हाँ सनी डे या सेकंड डे इस वक्त बिल्कुल सुकून होता है क्योंकि सारे ऑफिस में लोग वापस अपने बैठ के जाके काम के सिलसिले में अभी निकले नहीं है दोबारा से जिस काम से निकलना होता है उनको। स्कूल वाले अपने स्कूल में सेटल हो गए। अक्टूबर 31st हो गई और विंटर इज एट द डोर नाउ। लुक्स लाइक ऐसे लगता है जैसे ये संडे का दिन। संडे को यहाँ इतनी ट्रैफिक होती जितनी आप नजर आ रही है। ट्यूसडे अलग है। अलग है ट्यूसडे। हाँ अलग है ट्यूसडे है ना लेकिन वो लोग सारे सेटल हो गए जो अपनी जगह अब निकलेंगे थोड़ी देर तक एक आधे घंटे तक शॉप। मौसम खूबसूरत हो गया आजकल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। भाई बता रही इस्लामाबाद में दिन में तो मौसम जो है वो हाफ स्लीव है नॉर्मल कपड़ों का लेकिन शाम को थोड़ी सी सर्दी हो जाती है 6-7 बजे 7-8 बजे के बाद। सही पंखे वंखे बंद हैं दिन को भी रात को। Connecting to Sharif Islam. ऐसे बड़ा huge project बन रहा है ये सामने। ये जो corner पे बन रहा है। हाँ ये corner पे बन रहा है। काफी huge किस्म का project है। Building की हालत check करें यहाँ Sharif Islam। ये जली थी उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं इसका। नहीं इसका ग्राउंड फ्लोर तो सेटल हो गया है क्योंकि वहाँ पे बैंक आ गया। अच्छा मैं देख रहा हूँ नीचे बैंक आ गया ना अनफला पहले होता था उन्होंने तो मेरे पास ऑपरेशन कर दिया ये कर दिया मुझे नहीं पता। हाँ ये भी ऑपरेशन है ऊपर की बाकी पोस्ट बैंक की तो लीज होगी ना 2-3 साल की 4-5 साल की अपना नीचे दोबारा से सर पे क्या चल रहा है मीडिया टॉक में कल देख रहा था मैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे पता नहीं मैं तो देख ही नहीं रहा था। कल वो प्राइम मिनिस्टर किया हुआ था लम्स आपने जो शेयर की थी लम्स में तो उसकी बिल्कुल ही रात को जियो रात को तो मेरी सुबह किया तो हाँ सुबह जियो दिखा रहा था उसे पूछे थे इलेक्शन कब होंगे तो बता रहा है मेरा तो मैंडेट ही नहीं इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है जब वो करेगा तो बेचारा कंफ्यूज हुआ है काफी कंफ्यूज है बेचारा ये काकड़ लम्स में तो इसको काफी लम्स के लड़के तेज गर्म क्वेश्चंस के ऐसे जीए किस तरह के इंस्टीट्यूशन में जाएगा तो वहां तो उसको बच्चे वैसे भी ना भी ना बच्चे किसी का आश्रय नहीं कर रहे हैं वैसे नहीं बच्चे जो है वो आजकल मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं
आप 50 मिनट लेट आ रहे हो यार आप। मतलब एक रूटीन हमारी बन गई है ना, पार्टी की बास्केट में तो नहीं बैठ सकते ना 24 घंटे। मतलब आप पीएम हैं, आप कुछ भी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है वो एक नॉर्म्स है सोसाइटी के, उसको फॉलो कर, उसे आप बर्बाद कर देंगे। वक्त की पाबंदी तो यार सबके लिए लाजमी है, चाहे पीएम हो चाहे कोई भी हो। अपनी हमारा सिक्योरिटी का इशू होता है ये ना, सिक्योरिटी का इशू तो आप पहले निकलो। बहरहाल आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर को जान के डिले करती है बैठे थे। अभी हम जल्दी पहुंच गए थे, उसने आना था 2 बजे टाइम था, 1 बजे का टाइम था, हम बैठे हुए थे 12:30 आपको पता जवानी तो आ जाती है। हम इस्लामाबाद से सारे पहुंच गए, वहाँ 11 बजे आके हमने अपना हाथ मुंह धोया गेस्ट हाउस में, तो कोई सिलसिला तो था नहीं, वो नेशनल हाईवे का था गेस्ट हाउस में, अच्छा धोके मुंह धोके तैयार को रोके फ्रेश अप होके जाके बैठ गए 12:30 बजे। अब बेनजीर का 2 बजे टाइम था, दरमियान में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक सर्व किए, वो पीजिए गपशप कर रहे थे, तो बेनजीर आई 3 बजे। तो कहता है मिस्टर खान यू सी यू विल नेवर बिकम प्राइम मिनिस्टर यू आर ऑन टाइम। ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ 1996 की, आज कितने साल गुजर गए इस बात को, उस वक्त भी ये टाइम पर नहीं थे, आज भी टाइम पर नहीं है। वो तो हाँ मामला आपके सामने आ गया अभी बिल्कुल ही, ये नहीं कोई नया नई कहानी नहीं है, ये कि आपको क्योंकि सोशल मीडिया जरा ज्यादा है शोर शराबा, तो ये चीजें खुल के सामने आ गई है, वरना ये तो पहले से ये कर रहे हैं, स्टक होके बैठ गए यार। उस वक्त ये होता था कि वो अखबार में खबर आती थी कि जबरदस्त किस्म की रिसेप्शन हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने ये किया वो किया, खत्म हो गया बात। अब सोशल मीडिया जो है वो बताता है नहीं जी प्राइम मिनिस्टर ही लेट आया है। और बड़ी इंस्टेंट खबर है, उधर वो उठ के गया होगा साथ ही 40 लड़कों ने नेट पर डाल दी होगी चीजें। वो तो क्या होता ना, आज रिपोर्टिंग हुई है और भाई फिर वो गई है वो रिपोर्टर के पास, रिपोर्टर ने खबर बनाई, एडिटर ने कहा मैं रात को आऊंगा 9 बजे इसको चेक करूंगा फिर छापना, कोई ऐसे नहीं छाप देना प्राइम मिनिस्टर की खबर है सुबह अखबार में छपनी है सर। फिर उसकी फोटो कौन सी है, फोटो सेलेक्ट करने के लिए आमिर साहब इरफान साहब आएंगे, वो तो 11 बजे रात को आएंगे, तो 12 बजे के प्रिंट में जाएगा ताकि सुबह अखबार में, इस तरह की कहानियां वानी है ना सारी। अब तो आपको पता मिनट में गाड़ियां लेके वो पहुंचे होते हैं मीडिया वाले वहां पे, वहीं से डायरेक्ट वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, पहले तो कोई चीज लाइव टेलीकास्ट नहीं होती थी सुबह खबरों की। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के MD आया होगा ना सर, उसको सुनना चाहिए था, पता नहीं शायद कितने बजे थी उसकी स्पीच सर, स्पीच कब थी उसकी, शुरू भी होगी सर क्योंकि सारे मेहमान हैं, दूसरी देर हो गई मैं, देर हो गई, उसको सुनना चाहिए था क्या कहता है क्या नहीं कहता। चलो जी मैरियट है, 3,000 है टोटल तुम्हारे पास, मैरियट है वैसे तुम्हें देने को तैयार कोई नहीं है, बड़की ऐसी मार रहा होगा कि जिन्हें पाकिस्तान की जमीन मान के खिलाफ ये एंट्रेंस कर दिए बंद कर दो, मतलब वो भी खुला ओके चलो।